एमपी के सागर जिले की रहली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित हुई थी। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए रहली विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता गोपाल भार्गव के साथ बाइक रैली लेकर सागर पहुंचे। इसके बाद निर्वाचन कार्यालय में नामांकन फॉर्म जमा किया। रहली विधानसभा से भाजपा ने गोपाल भार्गव को लगातार 8वीं बार चुनावी मैदान में उतारा है। गोपाल भार्गव पिछले 7 बार से विधायक हैं और 3 बार से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। मुझे रैली विधानसभा क्षेत्र के लिए जो हमारा 28 नवंबर को मतदान होना है और जो चुनाव होना है उसमें मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कल सूची आ गई थी। मैं मान के चलता हूँ कि वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार भी, पर पूर्व में हमने 15 वर्षों तक जो काम किया है राज्य में मंत्री के रूप में मैंने या मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी ने या देश में हमारे प्रधानमंत्री के बतौर नरेंद्र मोदी जी ने, उसके अनुसार जो विकास हमने किया है उसके अनुसार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज़्यादा बहुमत लेके मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी।